नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल में आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह की रेसिपी देखने और सीखने को मिलेगी। इससे पहले मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में आपको बेल आइकन नजर आएगा, उसको भी दबा लीजिए ताकि मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल्स, जो कि सबको बहुत ही पसंद आता है। खासकर इंडिया में तो ये बहुत ही पसंद किया जाता है। चाइनीज़ फूड है ये और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इंडिया में। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत कम समय में बन जाता है और बहुत सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको फटाफट से स्नैक्स टाइम में बना के खा सकते हैं, अपने गेस्ट को फटाफट से बना के खिला सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सामान की, जो आपके घर में सामान है आप उसी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने बिठाई है कढ़ाई और इसमें पानी ले लिया है। इसको सबसे पहले हम बॉईल कर लेंगे पानी को। जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है, यहाँ मैंने एक लिया है कद्दूकस लिया है करने के लिए। यहाँ पे देखिए जो चिप्स काटने वाला कटर है वो लिया हुआ है। इससे हम पत्ता गोभी को देखिए इस तरह से ग्रेट करेंगे तो फटाफट जो हमारी पत्ता गोभी है वो एकदम पतली स्लाइसेस निकलेगी और आपको ये झंझट नहीं लगेगा इसको काटने में। देखिए कितने पतले पतले इसके स्ट्रिप्स निकल गए हैं और ये फटाफट से ये काम हो जाता है। आपके कितने भी पत्ता गोभी हो आप फटाफट से इसको काट सकते हैं। इवन आप अगर सब्जी बना रहे हैं तो इसके लिए भी आप इस तरह से काट सकते हैं, क्योंकि ये जो चिप्स कटर है ये सबके पास होता है। तो यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिया है, दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको स्लाइस कर लिया है, एक शिमला मिर्च है इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है, एक गाजर है इसको भी स्लाइस कर लिया है और थोड़ी सी पत्ता गोभी है। सब्जी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। यहाँ मैंने लिया है हक्का नूडल्स, वेज है ये और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ देखिए हमारा जो पानी है वो बॉईल हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ इसमें मैं, एक चुटकी लगभग। अब इसमें हम हक्का नूडल्स डालेंगे अपने बॉईल होने के लिए। फ्लेम को हम हाई पे ही रखेंगे, लो नहीं करना है। और ये देखिए इस तरह से इसको हिला हिला के, स्पैचुला की मदद से इस तरह से कर लेंगे हिला हिला के। देखिए बीच में से एकदम अलग हो जाएगा, इसे उठा उठा के हमें इसको अलग कर लेना है। अपने आप ही अलग हो जाएगा, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं करेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको अलग करने के लिए। बहुत आसान तरीके से अपने आप से ये सारे जो नूडल हैं वो खुल जाएंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल करेंगे। मैं इसमें आधा नूडल और डाल रही हूँ। तो 5 मिनट हमें इसको हाई फ्लेम पे ही बॉईल कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया है। तो दिखा तो देखिए कितने अलग अलग हैं नूडल्स हमारे, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं आपस में। देखिए ये हो चुका है, 5 मिनट हो गए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत बहुत गर्म है, मेरे को थोड़ा सा जल रहा है मेरा हाथ। तो ये देखिए एकदम अलग हो जा रहा है आसानी से, इसका मतलब ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो गैस बंद करेंगे, उसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर लिया हुआ है, अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखने से ही लग रहा है जो नूडल्स हैं हमारे एकदम अलग अलग हैं, बॉईल हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, मैं इसको अब ठंडे पानी से धो लूँगी ताकि जो इसका जो ये पकने का प्रोसेस है वो यहीं पे बंद हो जाए, ज़्यादा हमारी नूडल्स ना पके। अगर ये ज़्यादा पक जाएंगी तो एकदम ही गली गली सी लगेंगी, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो ये पानी मैं फेंक दूँगी और इसको ऐसे ही स्ट्रेनर पर रखी रहूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई बिठाई है और इसको गर्म भी कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे अच्छे से। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज। सब्जी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको सब्जी पसंद हो।
तो इसको हम थोड़ा सा बस नरम कर लेंगे, प्याज को जलाना नहीं है ना, कोई कलर चाहिए हमें, बस हल्का सा इसको हमें पिंक शेड में हल्का सा कर लेना है। ये हमारे प्याज भी देखिए यहाँ पे अच्छे से हो गए हैं, सॉटे हो गए हैं अच्छे से। अब इसमें शिमला मिर्च में डाल दूंगी, गाजर डाल देंगे, और इसको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं पकानी होती है इसमें, हल्की सी सब्जी पकी होती है, क्योंकि जब हम नूडल्स खाएं तो वो क्रंचीनेस हमारे मुंह में आना चाहिए सब्जी का, गल जाएगी सब्जी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अब इसमें मैं बंद गोभी भी डाल दूंगी, पत्ता गोभी यानी, तो इसको भी हम थोड़ा सा बस स्टर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमें पकाना है, क्योंकि सब्जियां इसमें आधी कच्ची ही रहती हैं और वही अच्छा लगता है खाने में। यहाँ हमारी सब्जियां भी देखिए छोटे होके तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें नूडल्स डाल दूंगी, देखिए एक एक नूडल्स हमारा कितना अलग है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है नूडल्स। यहाँ देखिए मैंने सारा डाल दिया है, उठा के दिखा रही हूँ आपको, एक एक देखिए नूडल्स अलग है हमारा, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब इसको हमें क्या करना है, स्पैचुला हटा देंगे और 2 फॉर्क लेंगे, उसकी सहायता से इस तरह से उठा उठा के हम मिक्स करेंगे। जितना आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें इसको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फॉक की मदद से, इस तरह से उठा उठा के हमें मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से और कितने आसानी से हो जा रहा है। जो हलवाई होते हैं उनके पास बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है तो वो आसानी से इसको फ्लिप कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास छोटी कढ़ाई है तो हम इसको फ्लिप नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो ये नूडल्स हैं वो बाहर गिर जाएंगे सारे। तो इस तरह से फॉक की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और कोई हमें मुश्किल नहीं होती इसको मिलाने में। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर, आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं 3 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इसमें हरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं और लाल मिर्ची पाउडर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 चम्मच ही मैं इसमें डाल दूंगी वाइट विनेगर। मैंने इसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, मैंने इसमें नमक ही डाला है। अगर आप अजीनोमोटो डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप नमक डालेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अजीनोमोटो जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अक्सर जो हलवाई होते हैं, जो ये चाउमीन बनाते हैं, नूडल बनाते हैं, वो अजीनोमोटो का यूज़ करते हैं और वही स्वाद आता है। तो इस तरीके से देखिए उठा उठा के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत आसान तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आपको मिक्स करने में। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से और कितनी आसानी से ये मिक्स हो जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से उठा उठा के फॉक की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत आसान से, और मेरे को मज़ा भी आ रहा है इसको करने में, इस तरीके से मिक्स करने में। तो मैंने यहाँ पे इसको बस ज़्यादा 3-4 मिनट इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है मीडियम फ्लेम पे, थोड़ा सा उसको भून लिया है मैंने यानी। ये देखिए मेरे को तो ये बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे करने में। एक एक चाउमीन जो हमारी एकदम अलग अलग है, सॉरी नूडल्स जो हमारे हक्का नूडल्स हैं, चाउमीन भी आप कह सकते हैं इसको, जो नूडल्स है हमारे बिल्कुल ही अलग हैं। इसमें देखिए एक एक खिला खिला, कितना खिला खिला नूडल्स हमारा बना है, बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपके हैं ये। देखिए हमारे हक्का नूडल्स बनके तैयार हैं, अब मैं इनको प्लेट कर ले रही हूँ। ये देखिए कितने आसानी से और कितने अलग अलग, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। इसको प्लेट पे हम निकाल लेते हैं। अगर आप इसको तीखा करना चाहते हैं तो काली मिर्च आप कूट के डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप तीखा जो कम रखिए। तो यहाँ देखिए हमारी चाउमीन जो है वो, सॉरी हक्का नूडल्स जो है बन के तैयार है, और इस पर मैं थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस डाल दे रही हूँ, उसके जो ग्रीन पार्ट होता है, लीफ होता है, उसे देखने में बहुत सुंदर लगेगा और चाइनीज़ फूड में तो ये ज़रूर डलता है। तो देखिए हमारे जो यहाँ पे हक्का नूडल्स हैं जो बन के तैयार हैं, एकदम
बढ़िया लग रहे हैं देखने में, खाने में आपको उतने ही टेस्टी लगेंगे। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।